तपती सी गर्मी में घर पे ही ठंडा ठंडा चटपटा सा खट्टा तीखा मीठा पानी पूरी मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए आज हम बनाएंगे ये चटपटा सा फ्लेवर वाला पानी पूरी, और इसे बनाना बहुत आसान है, सभी को घर में बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो एक मैं आपको पहले खा के दिखाती हूँ। तो आप घर बैठे बैठे ये जबरदस्त पानी पूरी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है इस चटपटी सी पानी पूरी के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने एकदम लाइन लगा दी पानी पूरी के लिए, और छोटे बड़े सभी को ज्यादा पसंद आती है पानी पूरी। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इमली लिया है, मतलब 25 ग्राम है, और इसे पानी में डाल दिया है भीगने के लिए। और गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप जल्दी में बना रहे हो तो गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी फूल जाएगी। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम यहाँ पे जीरा लिया, जिसे भून लिया है। वीडियो बड़ी ना, इसलिए पहले मैंने भून के रख लिया है। अब इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। जीरा से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, जीरा बहुत जरूरी होता है। अब उसी ब्लेंडिंग जार में मैंने एक कटोरी हरी धनिया ली है, 20 से 25 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली है, और 30 से 40 यहाँ पे हरी मिर्च ली है, ताकि खूब तीखा बने ये पानी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन एक कटोरी भर के पुदीना। पुदीना से क्या होता है फ्रेंड्स, पेट में ठंडक बनी रहती है, और ये जो चटनी बनती है ना, इसे हमें लू से भी बचाती है। तो पानी पूरी जितना टेस्टी सा लगता है ना, वो उतना ही बेनिफिशियल भी होता है इसका पानी। और ये पुदीना वाला पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो लीजिए बातों बात में, यहाँ जो इमली है ये भी फूल कर रेडी हो गई। तो इसे मसल मसल के इसे इस तरीके का बना लेना है, और छन्नी से इसे छान लेना, तो इसका सारा पल्प गूदा जो है निकल जाता है छन्नी से, इस तरीके से छानने से। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से ये मसल जाए, और यहाँ पे छिलका और बीज इसके अलग हो जाते हैं। तो एक कटोरी पानी बन के यहाँ पे इमली वाला तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो देखेंगे ना अच्छे से, आप दुकान भी लगा सकते हो पानी पूरी की। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 200 ग्राम आलू लिए, इसे छील लिया है, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च और प्याज यहाँ पे डाला है, थोड़ी सी हरी धनिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ, और नमक डालूंगी, और मिर्ची पाउडर डालना है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना फ्रेंड्स। ये आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर आप झटपट पानी पूरी बना रहे हो तो आप ये आलू का मसाला जरूर ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप छोले के साथ ये पानी पूरी सर्व करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप फटाफट से बना रहे हो तो ये बनके तैयार हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, अच्छे से ये बनके तैयार हो गया। अब हमें करना है मेन स्टेप, यानी पानी पूरी का पानी बनाना है हमें। यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, इमली का पानी डाल देना है, वो एक कटोरी था, अभी एक कटोरी हमारी हरी वाली चटनी है, इसे ऐड कर देना है सीधे इस बर्तन में, और जो मिक्सी में लगा है फिर उसमें एक कटोरी पानी डाल के हम उसे धो के इसमें डाल देंगे, वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। और मैंने आधा लीटर पानी और ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसके बाद हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ चुटकी भर। हींग से भी पेट की कई सारी तकलीफें दूर होती हैं, तो हींग आपको जरूर डालना है। घर पे बना रहे तो हींग आपको डालना ही डालना है। उसके बाद एक चम्मच मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया है पूरा एक चम्मच। उसके बाद एक चम्मच मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ, जिसे पीस कर रख लिया था मैंने घर पे। और इसके बाद ही एक चम्मच में लाल वाला मिर्ची पाउडर ऐड करी, ये थोड़ा तीखा है, मैं पानी पूरी का जो पानी तीखा ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने बर्फ के टुकड़े डाल दिए, फ्रिज में जमने के लिए रख दिया था, इसे ऐड कर देना है। और जो गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ठंडा वाला पानी हम बनाकर तैयार करेंगे। और उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे कि इसका नमक और जीरा पाउडर कैसा है। तो इसे हम मिलाकर चेक करना है कि पानी पूरी का पानी किस तरीके का बना है। तो थोड़ी सी कटोरी में आपको चेक कर लेना है, और नमक इससे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। और ये यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं नमक पीछे से और ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी।
और इसके बाद लीजिए हमारा चटपटा सा, तीखा सा, खट्टा सा, मीठा सा पानी पूरी का पानी बनके तैयार हो गया है, ठंडा ठंडा सा। लेकिन अभी मैं इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करूंगी। तो ये दुकान पे जो जंजीरे का पैकेट मिलता है, जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं ना, तो उसे क्या करना है, दो पैकेट ऐड कर देना इसके अंदर, तो स्वाद इसका दुगुना हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बूंदी डालूंगी, जिससे एकदम मार्केट वाला फ्लेवर लगेगा। तो बूंदी डालने के बाद चम्मच इसमें बूंदी ऐड कर देना है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आपके घर में पार्टी हो, आप इस पानी पूरी को बनाकर रेडी करिए, और आपके घर पे मेहमान आए तब बनाइए। और पानी पूरी का पानी बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने, और ये जो रेडीमेड पानी पूरी का ये पूरी मिलता है, इसे मैंने मंगा लिया था। तो ये 10 रुपए में 40 आ जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है ये, थोड़े से ही तेल में फटाफट से ये तैयार हो जाता है। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 थाली बनाकर तैयार कर लिया था, और मज़े से सभी ने घर में खाया था। और ये देखिए फटाफट से फूल जाता है। तो मैं इस रेडीमेड पानीपुरी के पूरी का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब देर किस बात के, फटाफट से पानी पूरी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मेरी दुकान सज गई है, तो आप सभी का भी स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फटाफट से मेरे घर पे यानी परासी गांव पे आ जाइए पानी पूरी खाने के लिए। और ये मैं पहला वाला खुद ही खा रही हूँ, तो आहा मजा ही आ गया। और इसके बाद में फटाफट से बच्चों को सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यानी पानीपुरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसन बना ला पानीपुरी? हाँ, बहुत अच्छा। लो अविनाश।